हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में। आज हम सम अप करना सीखेंगे इन सीरीज को। जैसे हमारे पास एक सीरीज है 81 प्लस 82 प्लस 83 प्लस सो ऑन अप टू 120, और दूसरी है 1 से लेकर 1000 तक नंबर को हम कैसे सम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से 60 तक जो नंबर है उसको कैसे सम करते हैं ये सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास सबसे इजी एक फॉर्मूला है। हम सबसे लास्ट टर्म को लिखते हैं और उसमें एक ऐड कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म है 60, उसमें एक ऐड कर लिया, हमारे पास हो गया 61। हम उसको भी लिख देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो आंसर आएगा वही हमारा सम हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 30 × 61, और ये हो जाएगा 1830। इसी तरह से अगर हमें 1 से लेकर 100 तक के नंबर को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 जो लास्ट नंबर है उसको लिखेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 101। तो 101 और जो लास्ट नंबर था उसको मल्टीप्लाई करके 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब 50 से 101 को मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 5050, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के नंबर को ऐड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम लास्ट टर्म को लिख देते हैं और उसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं। मतलब कितनी टर्म है, जैसे एन है और उसमें एक और ऐड कर दिया तो n+1 हो गई, और 2 से डिवाइड कर दिया, और यही हमारा आंसर होता है। अगर हमें 1 से लेकर 1000 तक ऐड करने हो तो हम क्या लिखेंगे, 1000 × 1, इसमें ऐड करके, तो 1001/2, ये आ जाएगा 500 × 1001, और जब इसको मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें एक के बजाय अगर बीच में से कोई नंबर ऐड करने हो, जैसे 81 to 120 या 101 से लेकर 160 तक, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया उसकी हेल्प से ये सम हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 80 तक इसमें नंबर ऐड कर देंगे और फिर 1 to 120 तक का सम कर लेंगे, और उसके बाद 1 to 80 तक जो सम होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम सबसे पहले लिखते हैं इसको इस तरह से। फ्रेंड्स, हमने क्या किया, यहाँ पर 81 से पीछे 1 से लेकर 80 तक की जो नंबर है उनको ऐड कर लिया, 1 to 80, और फिर 81 से 120 तक वैसे लिख दिए, लेकिन उसके साथ हमने माइनस करना है। ध्यान रखना ये डिवाइड नहीं है, यहां पर माइनस, यही नंबर को हमने माइनस कर देना है। अब होगा क्या, ये और ये यहां से 1 से लेकर 120 तक नंबर हो जाएंगे, उनको हम ऐड कर सकते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा है तो वो है लास्ट नंबर इंटू उसमें एक ऐड करके माइनस। अब यहां से लेकर यहां तक इसको हम ऐड कर सकते हैं, 80 × एक नंबर ऐड कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। तो जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, जब हम 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 7260 माइनस, और 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से। अब इससे इसको माइनस कर लेते हैं और ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, 101 से लेकर 160 तक, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको लिखेंगे 1 से लेकर 160 तक, और फिर माइनस कर देंगे 1 से लेकर 100 तक। तो 1 to 160 तक का सम आएगा 160 × 161/2 माइनस 1 to 100 का जाएगा 100 × 101/2। अब इससे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 80, और 80 से हम मल्टीप्लाई करेंगे।
माइनस यहां से, और फिर जब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।